हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान सा आई मेकअप लुक, जिसे आप एवरीडे मेकअप लुक में आप कैरी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, इसे हर कोई कर सकता है। अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करेगा और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले अपने आईब्रो को फिल कर लिया है, अच्छा सा शेप दे लिया है। उसके बाद अपने आईलिड एरिया पर अच्छी तरह से कंसीलर को सेट करके उसे लूज पाउडर से सेट कर लिया है। उसके बाद मैं ऑरेंज कलर के लाइट आई शेडो को अपने क्रीज एरिया में अच्छी तरह से, क्रीज नहीं, पूरे अपने आईलिड पर अच्छी तरह से उसे डैप 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 करके उसे अप्लाई कर लिया है। और उसे अच्छी तरह से एक ब्लेंडिंग ब्रश से, लार्ज ब्लेंडिंग ब्रश से उसे अच्छी तरह से मैं उसे ब्लेंड कर रही हूँ, ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड, ताकि एक अच्छा सा फिनिश और खूबसूरत लुक आए, हार्श ना नज़र आए, खूबसूरत देखने में लगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है। और इसे अच्छी तरह से हम ऊपर की तरफ अपने क्रीज एरिया में अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे, ताकि ऊपर से लाइट, फिर उससे डार्क, फिर एकदम डार्क आ जाए, ताकि देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगे। इसे आप एवरी डे मेकअप में कर सकते हो, डे मेकअप में आप मान लीजिए इसे आप अच्छी तरह से कैरी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर नाइट मेकअप है तो आप इसके ऊपर ग्लिटर और प्रिमर अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे तो नाइट में लाइट में आपका मेकअप और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। वैसे डे मेकअप है तो आप डे में इसे ईजिली अच्छी तरह से आप इसे अप्लाई करके आप डेली बेसिस पर आप इसे कैरी कर सकते हो। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ऑरेंज कलर के शेडो को अच्छी तरह से मैंने अपने आईलिड पे ब्लेंड कर लिया है। और ब्लेंड करने के बाद देखिए मेरा क्या कितना खूबसूरत लुक आया है। आप जैसा कि देख सकते हैं, मैंने स्कॉच टेप जैसे ही निकाला मेरा, आप शार्प देखिए, आई शेडो का शार्पनेस देखिए, कितना खूबसूरत, आँख कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और आप भी इसे आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके बाद मैंने एक शिमर शेडो लिया है, उसको मैंने अपने आईलिड पे अच्छी तरह से इनर कॉर्नर से लेकर मिड एरिया तक अच्छी तरह से इसे लगा लिया है, ताकि देखने में ज़्यादा वो ना लगे। दिन डे मेकअप में फ्रेंड्स, अगर आप लाइट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर शिमर है, ग्लिटर है, वो नाइट में ज़्यादा अच्छा लगता है। डे मेकअप में इस तरीके से आप करेंगे तो आपका नेचुरल देखने में लगेगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, एक छोटू सा विंग बना रही हूँ अपने आउटर कॉर्नर में, छोटा सा एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। लाइन ड्रॉ करके मैं उसे अपने अपर लाइन में अच्छी तरह से इसे मिक्स कर रही हूँ, मर्ज कर रही हूँ, ताकि देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगे, अच्छा लगे। अगर आप चाहो तो इसमें आप सिर्फ अंदर ही अपना काजल फिल करके आप इसे छोड़ सकते हो, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसे ज़रूर लगाती हूँ। और देखिए मेरा विंग कितना खूबसूरत, कितना शार्प, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप अगर चाहें तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी विंग बहुत ही खूबसूरत, प्रिसाइज, बहुत ही शार्प आएगा। फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, रोज़ डेली मेकअप करेंगे तो आपका हैंड्स भी बहुत अच्छा सा फिनिशिंग आएगा। और देख सकते हैं मैंने छोटा सा विंग अपना कितना खूबसूरत बना दिया है। उसके बाद मैं अपना इनर कॉर्नर से अपने लाइन को अच्छी तरह से अपर लाइन से ड्रॉ करते हुए अपने मैं विंग में इसे अच्छी तरह से मर्ज कर रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ, ताकि देखने में और ज़्यादा खूबसूरत लगे। अपने लाइन को ज़्यादा मोटा नहीं कर रही हूँ, एकदम अपने आई लाइस से एकदम गाइड करते हुए बस एकदम बारीक सा लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ताकि मेरी आँखें हुडेड है, ज़्यादा ख़राब ना दिखे, अच्छा दिखे। अब जैसा कि देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत है फ्रेंड, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू, आई लव यू गाइस सो मच।